सब यहाँ इस सफर में साथ में हैं। 4 महीनों बाद तुम्हारा यहाँ से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? तो जैसा कि टेक अवे मेरा सबसे अच्छा टेक अवे फिलोज के साथ मस्ती करना, फील्ड में जाना, स्टेक होल्डर से मिलना, और सबसे बड़ा तो टेक अवे मेरा यही रहा कि मेरे जो पीएम हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही मस्ती करने वाले, बहुत ही सपोर्टिव, एंड जो पीएल्स हैं वो तो कमाल करते हैं, उनके साथ मज़ा आती है। जो साहब जी हैं, जो पीएम प्रेरणा जी हैं, और जो मेरे साथ तो फिलोज हैं, वो तो एक नंबर। दमोह में काम भी काफ़ी फेमस है, आने वाले सेमेस्टर के लिए तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो जैसा कि आपको मानना है कि मेरी ऐसी दमोह में काफ़ी फेमस है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी जो कुछ एक्सपेक्टेशन मेरी आने वाले सेमेस्टर के लिए नज़र आ रही हैं, तो उसमें एक जो मेजर एक्सपेक्टेशन जो मैं रखूँगा वो है कि यही स्माइल अपने स्टेक होल्डर्स, जैसे कि अपनी टीम, चिल्ड्रंस और BRCCC, इन सब के बीच में भी कुछ इसी तरीके की स्माइल सबके साथ बनी रहे। घर से दूर रहकर देश के लिए विकास का काम करना एक बहुत ही बड़ा कदम है। क्या तुम यहाँ एक परिवार अपने लिए ढूंढ पाए हो? तो बिल्कुल, मैं अपने लिए एक परिवार यहाँ पे ढूंढ पाया हूँ। जब आप 150 किलोमीटर बाइक चला के वापस आते हो और इनिशियली आपसे कोई कुछ नहीं पूछता है, आप यहाँ एंटर करते हो और आपको सबसे पहले बोला जाता है कि अरे थक गए होगे, कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो, शुभम को कोई कॉफ़ी दो। फिर जब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हम लोग सारे लोग थके हुए होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते वो स्माइल, ब्रो कैसे हो, कैसा चल रहा है सब, तो फिर ऑब्वियसली इतना कंफर्टेबल फील होता है कि हम लोग और 2 घंटे एक्सटेंड करते हैं, 3 घंटे एक्सटेंड करते हैं, बैठे रहते हैं अगर सब साथ में तो। क्योंकि सबको पता है कि सब एक दूसरे के साथ रहने के लिए है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे। तो जब साथ में होते हैं तो फिर टाइम कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, क्या करना है, अल्टीमेटली यहाँ से वहाँ जाएंगे, इन्हीं लोगों के साथ में रहेंगे, तो कहीं पर भी बैठ जाना और कुछ शुरू कर देना वो कभी भी कम, कभी भी ज़्यादा नहीं होता हमारे लिए। तो ऑब्वियसली ये परिवार बहुत ही एज अ प्रोग्राम लीडर मेरा फेलोज के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है फेलोज के साथ। समटाइम्स आई फेल्ट लाइक सिस्टर,
समटाइम्स आई फेल्ट लाइक फ्रेंड. तो एक फैमिली जो टर्म हम देते हैं, मैंने उसको कम्प्लीटली फील किया यहाँ पर. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे फेलोज कहीं ना कहीं अपने फीलिंग को शेयर करते हैं. दे शेयर देयर सैडनेस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग विद मी. तो मैं इस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ. मेरा क्वेश्चन है कि आप एक फेलो नहीं हैं, लेकिन आप टीम का उतना ही अहम हिस्सा हैं. आपके लिए 4 महीना कैसा रहा? तो मेरे लिए 4 महीना बहुत अच्छा रहा. फेलो के साथ पीएल पीएम जहाँ भी जाते हैं तो हम सब एक फैमिली के जैसे हैं. फैमिली मेंबर हैं सभी. सभी लोग साथ में जाते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, हर एक चीज़ शेयर करते हैं. और जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो पीएम पीएल फेलो हर एक टीम मेंबर हेल्प करता है. मेरा क्वेश्चन है, पहले प्रोग्राम में मेरा 4 मंथ का एक्सपीरियंस क्या रहा? यू नो 7 फेलोज 4 स्टेट फेलोज का हंसना, रोना, डिमोटिवेट होना, ठीक है. इवन यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी, कोलाबरेटिव लिविंग, सारी चीज़ों को इस जर्नी के अंदर सेलिब्रेट किया. ये सब फन का पार्ट रहा है. चीज़ को हमने मिलकर सेलिब्रेट किया. कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को आगे ले जा सकते हैं, उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपनी चीज़ों को मैं आगे लेके जा. सो माय क्वेश्चन इज, आईआईटी के बाद आपका आकाशवाणी जिले में आगे करियर की सफर मेरा कैसा रहा? तो मेरा सफर काफ़ी अच्छा रहा, इन द सेंस कि जब मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे जो फील्ड की प्रॉब्लम है, काफ़ी रूट कॉज जो प्रॉब्लम है, रूट प्रॉब्लम है, वो देखने को मिला. वो शायद मैं कभी बुक्स में ही पढ़ता था वहाँ रहती थी. और एक डेवलप्ड शहर से आके एस्पेशलिस्ट में काम करना, ये भी एक बहुत बड़ा गैप है. और मैंने काफ़ी चीज़ सीखा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, ये 2 साल तक की ऐसी जर्नी चलती रहे, स्ट्रगल से मैं बट लर्न पे रहे, काफ़ी मैं कुछ सीखा भी है. और ये मेरा प्रैक्चर दिख रहा है, ये भी एक फेलोशिप की देन है. सुबह मॉर्निंग करकल में हम लोग खेले जाते थे, उसकी वजह से एक स्टिप कर गया और ये हो गया. इससे लर्निंग मिली है मुझे. नए दोस्त मैं इन्हें जानती तक नहीं थी 4 महीने पहले, लेकिन ये 4 महीने में ऐसे इतने अच्छे दोस्त बन गए मेरे कि पूछ भी नहीं सकते हैं कि एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं. उसके बाद मैंने इनसे, इन्हीं लोगों से कई सारी चीज़ें सीखी है, चाहे वो फील्ड को लेकर हो या फिर अपने ऑफिस को लेकर हो, कुछ सीखना हो, कुछ भी पूछना हो, जिस भी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आती है मैं सभी लोगों से डिस्कस करके पूछती हूँ, तो उससे इनका सपोर्ट मुझे पूरा रहता है. 4 महीने बहुत अच्छे रहे मेरी टीम के साथ, बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे. ये मेरी फैमिली है, दमोह की फैमिली. दमोह नाम आते ही मेरी एक फैमिली, नई फैमिली मिल जाती है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ के कल्चर, भाषा, लोग, खाना सब तुम्हारे लिए काफ़ी अलग है, ये सेमेस्टर तुम्हारे लिए कैसा रहा है? हाँ, तो आई हूँ केरल से एंड एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट फॉर मी हियर. बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग है. तो मुझे यही चाहिए था इस फेलोशिप से, मुझे अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, पर यहाँ पे वही हो रहा है. और इतने सारे जो लोग हैं यहाँ पे अपनी टीम में, जो 10-12 लोग हैं, उनके साथ बहुत मजा आता है यहाँ पे. और ये सेमेस्टर काफ़ी अच्छा रहा है. पता नहीं ये 4 महीने जो है इतनी जल्दी कैसे बीत गया, पता भी नहीं चला. वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड यही सारी चीज़ों में आगे भी आने वाले 3 सेमेस्टर में देखना चाहूँगा. ये हमारे राज भैया हैं, हमारे ऑफिस के सदस्य हैं,
जो बहुत ही केयरफुल हैं, सबको सबकी देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपका यहाँ 4 महीने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं जब से यहाँ आया हूँ बहुत खुश रहता हूँ। आप सभी सब लोगों का जो प्रेम व्यवहार मिलता है उससे मेरा पूरा दिन खुशी से कट जाता है, इससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और दिन का पता ही नहीं चलता। और मैं जब से यहाँ आया हूँ मन में बड़ी शांति और खुशी रहती है। चीज़ें जो कहना चाहूँगा, पहला ये कि जब रात में सोता हूँ तो अगले दिन सुबह उठने का एक बहाना होता है, आज फिर से वही पागलपन और मस्ती देखने को मिलेगी, लोग आएंगे बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा हुआ ये होगा। दूसरा ये रहा है मेरे लिए बेनिफिशियल कि मेरी जितनी भी स्टोरीज हैं लाइफ टाइम अभी तक, जो मैंने कॉलेज के दिन जिए हैं, स्कूल के दिन जिए हैं, ये जो भी करा है वो सारा है करते हुए देखता हूँ तो ताज़ा होता जाता है, और जो कुछ नहीं कर पाए वो भी करते हुए देखता हूँ, तो मेरा जो नहीं कर पाया उसका रिग्रेट भी नहीं, क्योंकि अब वो हो रहा है।